हेलो मेरे प्यारे बच्चे, नाइन्थ क्लास के बच्चे, चलिए जल्दी से आप लोग जाग जाइए। बड़ा सवेरे सो जाते हैं, तो आइए वीडियो देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आज फिजिक्स की क्लास में वैसे टॉपिक लेकर के आप लोग को आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी माना जाता है। आज वैसा ही पूरे किताब फिजिक्स के किताब में जितने सारे विज्ञान की राशियां हैं मैं आप लोग को सामने रख दिए। ठीक है, और इतना अगर इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरे फिजिक्स की किताब आपका कवर हो जाता है। इतना ही यानी चैप्टर नंबर एक से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट कहिए यानी ध्वनि तरंग तक आइए तो ज्यादा से ज्यादा 25 वो वर्ड है, और वो 25 में से देखिए हमने 20 वो वर्ड लेकर के आपके सामने आए हैं। और एक विज्ञान की वे सारी राशियां हैं जिनको बार बार जरूरत पड़ता है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ये सारे चीजों की आपे जरूरत है। अब इसमें से बहुत सारी बातें आप लोग पहले से भी जान रहे हैं, तो आइए एक बार हम लोग रिविजन मिलकर कर ले, देखते हैं कि आप लोग विद्या से कितने विद्यार्थी को ये सारा चीज याद है। तो विज्ञान की ये सारी राशियां को आप कैसे पहचानेंगे? न्यूमेरिकल हमने कल बना रहे थे, याद है? तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के पहले उसकी मात्रक को जानना चाहिए कि उस राशि को आखिर किस चीज में मापते हैं। कैसे हम समझेंगे कि आपका विज्ञान की कौन सी राशि दिया गया है? तो आपने जानते हैं कि विज्ञान की राशियों की पहचान जो है वो मात्रक से किया जाता है। जैसे सोचिए कि कहीं पर अगर 5 लिखा हुआ है, चलिए अब 5 लिखा हुआ है और इसके पीछे में बताओ कुछ नहीं लिखा रहे, तो क्या बताइए विज्ञान की किसी राशि का बोध कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो विज्ञान की राशि है तो आखिर 20 में से कौन सी राशि है ये कैसे आप पहचानिएगा? तो विज्ञान की राशियों की पहचान 2 चीज से की जाती है, एक तो परिमाण और दूसरा होता है इकाई, जिसको मात्रक कहते हैं। तो यानी परिमाण जो संख्या सूचक जो शब्द दिया गया है, अब संख्या सूचक शब्द के बाद जब तक पीछे में अगर कुछ नहीं बोलते हो तब तक इसे स्पष्ट नहीं होती है कि विज्ञान की किस राशि के बारे में आप बोल रहे हैं। तो विज्ञान की राशियों को पता लगाने के लिए कुछ इकाई कुछ मात्रक की जरूरत है। अगर ऐसे चीजों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तब मैथ बनाने में खास करके आपको कहीं से कोई टेंशन नहीं होगी। तो आइए थोड़ा सा बारी बारी से चलते हैं कि आपने इन विज्ञान की राशियों को आप किस यानी मात्रक में किस इकाई में मापते हैं। तो आइए शुरू कर दीजिए, आप लोग भी तैयार हो जाइए कि किसको कैसे मापिएगा। देखिए विद्यार्थी, किसी पिंड या किसी वाहन के द्वारा जो दूरी तय की जाती है वह दूरी को हमेशा लेते हैं। अगर एसआई मात्रक लेते हो तब मीटर में लेते हैं, और अगर सीडीएस मात्रक लेते हो तो देखा या सेंटीमीटर में बोला जाता है। बात समझिएगा, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, अब दूरी निकालने हमको कहता है तो दूरी जब भी व्यक्त की जाती है तो मीटर में या सेंटीमीटर में होता है। बात क्लियर? अब देखा जाए कल हमने यानी कल की वीडियो जब देखा होगा तो उसमें दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। तो दूरी और विस्थापन बताया थे कल कि दोनों विज्ञान की दो राशि है। कहीं कहीं देखिए सेम मानते हैं लोग, लेकिन हकीकत है कि दोनों सेम है नहीं, लेकिन विस्थापन होता है तो इसको भी मापा जाता है मीटर में, या अगर छोटा मात्रक आते हैं तो सेंटीमीटर में लेते हो, यानी जिसको सीडीएस मात्रक होता है
वही देखिए समय है, समय हमेशा देखिए सेकंड में लिया जाता है। और जी में जी हाँ, तो समय को हमेशा देखिए सेकंड में मापा जाता है, चाहे उस समय कुछ भी हो लेकिन मिरेकल बनाते हैं उस समय, समय को हमेशा यानी सेकंड में लेते हैं क्योंकि समय का ही साई मात्रक सेकंड होता है। क्लियर? अब देखा यह सिलेंडर की आ जाता है चाल, और चाल में तुम लोग कहते हो कि प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसलिए चाल को अगर व्यक्त करना है तो देखिए मीटर यानी प्रति सेकंड में लेते हैं, जिसको शॉर्ट में मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। अगर वही छोटा मात्रक में चलते हो तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ही रह, लेकिन इतनी छोटी इकाई फिजिक्स में बहुत कम चलता है। फिजिक्स में किसी वस्तु की चाल निकाला जाता है तो वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड। अब चाल और वेग ये भी बताए थे कि जैसे दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, तब दोनों का मात्रक सेम है, इसका मात्रक भी देखते होता है यानी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कहता एक इनवर्स इतना बोलते हैं। ठीक है, जब भी इन्हें समझना, मात्रक देखने से ही पता नहीं चल जाता है कि दोनों एक है कि दोनों दो है। मात्रक को देखिए यहाँ भी मीटर है, अब विस्थापन का भी मीटर है, लेकिन दूरी देखा अदिश राशि है, अब विस्थापन सदिश राशि है। यहाँ पर देखिए चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट है, लेकिन दोनों का माप सेम है, दोनों का मात्रक सेम है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, माने दोनों मात्रक के मामले में सेम है लेकिन दोनों चीज अलग है। चाल ज्ञात करने के लिए हमको दूरी और समय चाहिए, किसी वस्तु की चाल निकालना हो तो वहां पर दूरी और समय चाहिए, लेकिन अगर वेग निकालना हो तब विस्थापन और समय चाहिए। ये याद करेंगे, विस्थापन समय के अनुपात को वेग कहते हैं लेकिन दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, दोनों में है फर्क। अरे अब देखा जाए त्वरण कहते हैं, तो त्वरण के बारे में क्या कहता है कि प्रति एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और त्वरण जिसका मात्रक यानी प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं। चलिए इसको लिखते हैं एम इनवर्स यानी दो बोलते हो। ठीक है, अब देखा जाए तो एक आ गया कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग जिसको देखिए हम सूचित करते हैं ओमेगा से, अब ओमेगा बराबर होता है यानी थीटा बटा टी, यानी थीटा का मतलब क्या थी यानी वेग के केंद्र पर बना कोण, और कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। बताए पहले भी याद होगा, बताया था कि पाई रेडियन, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, बताए है न, तो यहाँ पर समझिएगा तब कोणीय वेग का मात्रक होता है, देखिए पहले बोलते हैं रेडियन और प्रति बोलते हैं देखा जाए सेकेंड, तो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। ये हो गया कोणीय वेग, ये था वेग, तब वेग बराबर अलग ही था, इसमें आपने बोला था भी, आप भी बराबर क्या था कि डेल्टा डी और बाई डेल्टा टी, नहीं डेल्टा डी का मतलब क्या स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ये अलग चीज होता है, आई कोणीय वेग है। ठीक है, तो कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, जबकि इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। देखिए कहता बल, तो बल के मात्रक को पहले ही कहें आप लोग के सर होता है न्यूटन, जिसको कहता है यानी किलोग्राम यानी मीटर यानी प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो एक न्यूटन कहिए चाहे एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहिए, बात सेम होती है नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर याद करेंगे कि ये नहीं कि बल का न्यूटन बोल दिया
लेकिन एक न्यूटन कितना के बराबर हुआ, वो गड़बड़ा जाते हो हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर न्यूटन कहा तो न्यूटन की जगह पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि बल बराबर होता है क्या चीज, द्रव्यमान गुना त्वरण। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब त्वरण, तो यहाँ पर हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, आइए तो यहाँ पर कहता है दाब। अब दाब बराबर कहता है कि बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या चीज, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक कहता है कि होता है न्यूटन, तो न्यूटन आप प्रति कहते हो, हाँ बल बटा क्षेत्रफल, तो यही बोलते हैं प्रति यानी मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मीटर। तो यहाँ पर आपने बोला कि प्रेशर बराबर बोला कि एक बटा ए हो गया, क्या हो गया एक बटा ए, और एक का मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, ए का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसी को आपको कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं पास्कल कहते हैं, तो या तो दाब को माप दिया पास्कल में, या तो दाब को मापते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्लियर है, देखा जैसे विद्यार्थी आप लोग को ये भी है कि आप फिजिक्स के पूरा का पूरा विज्ञान की राशियों का अगर माप चाहते हैं मापना पहचानना, तो इसके लिए मात्रक जानना बहुत जरूरी है। मात्रक में अगर गड़बड़ रहेगा तब फिर इसको आप कैच नहीं कर पाएगा, तो इस मात्रक को आप याद कर लेंगे। फिर देखिए होता है घनत्व, यानी घनत्व जिसको कहता है डी बराबर होता है एम बटा बी, और एम का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, आप प्रति मीटर कहते हो नोलेगा, तब भी भी का मतलब आयतन, आयतन का मात्रक घन मीटर है, समझ गया, तब घनत्व है, और घनत्व को अगर मापने की बात करता है तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर अगर कहीं निकल है तो समझ जाना कि घनत्व कर दिया। ठीक है जी, वो प्रकृति कहते तो बोलिएगा इसमें घनत्व जिसको डेंसिटी कहते हैं, और दुनिया की जितना सारा पदार्थ होता है सबका अपना एक निश्चित घनत्व होता है, बशर्ते वह पदार्थ बिल्कुल शुद्ध है, तब वहां पर किलोग्राम प्रति घन मीटर में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए संवेग, और संवेग में बोलता है कि P बराबर बताए क्या होता है एम भी होता है, और एम का मात्रक होता है देखिए किलोग्राम होता है, भी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखिए आवेग का फॉर्मूला होता है यानी एफ इंटू टी, और एफ का मात्रक को मतलब होता है न्यूटन, और यहाँ टी का मतलब होता है समय जिसको बोलते हैं सेकेंड। तो बल का आवेग कह रहा कि बल का आवेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलते हैं कि बल और गुना बल लगाने में लगा समय, तो ये दोनों का जो गुणनफल होता है इसी को बल का आवेग कहते हैं, और आवेग की अगर पहचान करना चाहते हो तो उसके पीछे लगेगा न्यूटन सेकेंड लगेगा। क्लियर है, तो न्यूटन सेकेंड वही कहता है, आगे पढ़ा तो वो चैप्टर मिला गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण में तान का मतलब समझ आएगा कि यहाँ पर आपने कहे थे कि एक इंटू आर स्क्वायर और बटा हुआ था एम वन एम टू हो गया था एम टू, अब इसकी मात्रक लेना है तो ए हो गया देखा या न्यूटन, ए हो गया वर्ग मीटर, और तब हो गया बल यानी किलोग्राम, नहीं तो ए हो गया तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, न्यूटन वर्ग मीटर अब प्रति वर्ग किलोग्राम होना चाहिए, एक दिमाग में बैठा लीजिए, आज रात में हमें इसको याद कर लीजिएगा। तब आइए यहाँ पर देखिए, एक था यहाँ सीधा केवल त्वरण था, एक त्वरण
जहाँ पर कोई बाहरी असंतुलित बल लगाया जिसके कारण उसके वेग में परिवर्तन हुई, लेकिन यहाँ पर कथा गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होती है, जहाँ पर आप लोग कहते हैं सूचित करते हो जी से, और जी बराबर होता है यानी जी एम बटा आर स्क्वायर, लेकिन इसका भी मात्र यही है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसे यहाँ पर दिया गया त्वरण था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ भी मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए तो कार्ड के बारे में हाल फिलहाल में बताए थे कि कार्ड का एसआई मात्रक होता है जूल, आज छोटा मात्रक लेके चलते हो तो एसी को हमने बताया था अर्ध, तो जूल करते हो तो एसआई मात्रक हो गया और अर्ध करते हो तो सीएस मात्रक हो गया। जैसे बल, तब बल का एसआई मात्रक करते हो क्या कहते हैं डाइन बोलते हैं, तब बल का सीएस मात्रक डाइन है और एसआई मात्रक न्यूटन है। कार्ड का एसआई मात्रक जूल है और कार्ड का सीएस मात्रक अर्ध है, याद रहेगा। तो जहां जूल या अर्ध में अगर कोई चीज दे दिया है तो समझिए कि कार्य के बारे में हो रहा है। इसी तरह से देखा जाए बताए कि ऊर्जा, तो ऊर्जा की मात्रक भी देखिए जूल होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कभी कभी देता है यानी कैलोरी में भी लेता है, क्या लेता है हाँ कैलोरी। तो जहां कहीं बोल दिया जूल या कैलोरी बोल दिया तो आप समझ जाना कि ऊर्जा की बात कर रहा है, ऊर्जा को माप रहा है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की माप जूल में करते हैं, लेकिन कैलोरी में अक्सर हम उष्मा ऊर्जा को करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए तब आता तुम्हारा शक्ति, कौन सी आता है जी शक्ति आता है, और शक्ति जिसका मात्रक बोलता है वाट, क्या होता है वाट होता है। मशीन की शक्ति तो बोले थे कि अश्व शक्ति होता है, कौन सा होता है हाँ अश्व शक्ति भी बोलते हैं। जैसे कि बोला था कि केवल एचपी, इसी को शॉर्ट में आप लोग एचपी कहता है। जैसे देखता है ना कि मशीन खरीद के लाते हो तो कहता है कि 5 HP का मशीन है, 10 HP का मशीन है, 50 HP का मशीन है, मतलब उसकी शक्ति को देखे एचपी में मात्रा है, अश्व शक्ति कहते हैं। और वही आवृत्ति जो बताए कि तरंग चैप्टर में कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, क्या होता है हर्ट्ज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में जेट जेट कहते हैं, या इसी को हम लोग केवल यानी प्रति सेकेंड भी कहते हैं, यानी एक प्रति सेकेंड बराबर एक हर्ट्ज होता है। इसलिए चाहे प्रति सेकेंड कहिए या चाहे हर्ट्ज कहिए, ये आवृत्ति का यही पहचान है। तब तुम्हारा आता है तरंग दैर्ध, और तरंग दैर्ध का मतलब ये भी एक प्रकार का दूरी होता है, और दूरी का मात्रक लिया मीटर या सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ भी आप ले सकते हैं मीटर भी कह सकते हैं या सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इससे छोटा में चले जाइए तो इंडस्ट्रम भी कहीं कहीं इधर रहता है, तो इंडस्ट्रम कहते हो ठीक है। तो ये सब जो का है तरंग दैर्ध को जिसको लैम्डा से सूचित करते हैं, और लैम्डा से तरंग दैर्ध को सूचित करते हैं, समझ गया। तब आता है भार, तब किसी वस्तु का देखिए एक होता है द्रव्यमान, तब द्रव्यमान बोले हैं कि द्रव्यमान अगर कहता है तो द्रव्यमान समझिए एक अलग चीज होता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में जैसे आप बोला चाला फिर, जैसे बोला दूरी विस्थापन, इंसान लोग ऐसे ही बोलता है द्रव्यमान और भार, लोग समझता है दोनों सेम चीज है, लेकिन याद करेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन। मने समझिए कि आपका भार एक प्रकार का बल है, इसी को कभी कभी किलोग्राम भार भी बोलते हैं आप लोग, तो किलोग्राम भार ठीक है। तो किलोग्राम भार कहते हो ये भी लेते चलते हैं यानी केजी में बोलते हैं। तो आपके सामने आज की क्लास में हमने 20
विज्ञान की राशियों को सामने रखे और विषयों को सामने दिखे, इसकी कैसे व्यक्त करते हैं, इसकी पहचान कैसे करोगे, ये सारा बात आपके सामने रखा गया। तो आज तुम लोगों की यही टास्क रहेगा कि सभी विद्यार्थी मिलकर के इसे पहले नोट कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और अगर याद हो जाएंगे आपको अच्छा ही लगा क्लास तो आप इसे दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, इसे लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करते हैं तो आपके चैनल का प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो इसके साथ आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।